वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड किया है। अभी यहाँ पे हम बेबी फ्रॉक की कटिंग पहले करेंगे। एक बार फोल्ड करने से जैसे ये जो बॉर्डर है हम नीचे के साइड में लेते हैं, इसे हमें ये जो बंद बाजू है इसे हमें दोबारा फोल्ड करना है। इस तरह से हमें दोबारा फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो निकालेंगे। जैसे ऊपर का टॉप पार्ट की जो लंबाई है तो हमें 7 इंच तैयार चाहिए। 7 इंच तैयार चाहिए तो हमें 1 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा है इसे हमें कट करना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हमें कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट किया है। यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई लेंगे हम 1.25 इंच। शोल्डर लेंगे हम 4.5 इंच। यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है 4 इंच। इस तरह से हमने ये आर्मोल लिया। जैसे लंबाई में प्लस 1 इंच किया है, यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई ली है। जैसे यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे गले की चौड़ाई ली है, 4.5 इंच पे हमने ये शोल्डर लिया है, यहाँ पे हमने 4 इंच पे आर्मोल लिया है। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, 6 इंच। इसके आगे आपको 1 या 1.5 इंच लेना है। जैसे आपका सिलाई में ज़्यादा जाता होगा तो आपको ज़्यादा लेना है, नहीं तो छोटे बेबी के लिए आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें गले की लेंथ लेनी है 3 इंच पे। इस तरह से आपको ये राउंड शेप देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। फ्रंट और बैक साइड का गोलाई जो है वो एक ही देंगे। ये छोटे बेबी के लिए है इसलिए आप डबल गोलाई नहीं देंगे तो भी चलता है। यहाँ पे हमें नीचे के साइड में 1/2 इंच इसको क्रॉस में कट करना है और इस तरह से ये कट करेंगे। फ्रंट और बैक साइड का गला जो है इसे हमें साथ में कट करना है। इस तरह से ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो निकाला है। अब यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड एक है और बैक साइड एक है, तो बैक साइड जो है इसे हमें बीच में से इसको कट करना है। आप यहाँ पे इसको चेन भी लगा सकते हैं, नहीं तो हुक और आई की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट बैक साइड और फ्रंट साइड आपको कट करके दिखाई है। अब नीचे का जो घेरा है वो लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका घेरा कितना लेना है, जैसे आप अपने कपड़े के हिसाब से इसका घेरा ले सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो कमर की जो चौड़ाई है इसके डबल आप घेरा ले सकते हैं, और ज़्यादा कपड़ा होगा तो आप ट्रिपल यानी कि 3 पट घेरा जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे 7 इंच है तो 14 इंच उसका डबल होता है, 21 इंच उसका और एक पार्ट हमें लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर से दोबारा फोल्ड करेंगे। इस तरह से दोबारा फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोबारा फोल्ड किया है। पहले हमने एक बार फोल्ड किया था, फिर से वापस दोबारा फोल्ड किया है। दोबारा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। 15 इंच हमें तैयार लंबाई चाहिए तो हमें 16 इंच लेना है, 1 इंच प्लस करना है। इसके आगे हमारा ऊपर के साइड में ये 7 इंच तैयार हो जाएगा, यानी कि 23 इंच हमारी ये पूरी लेंथ तैयार आएगी। अब यहाँ पे हमें इसको सीधा कट करना है। इस तरह से हमें इसको सीधा कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बीच में से इसको कट करना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड का एक घेरा है और बैक साइड का एक घेरा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये छोटे छोटे प्लेट्स जो है
इस तरह से। आप चाहे तो 1 इंच के प्लेट्स भी डाल सकते हैं, या छोटे एकदम छोटे यानी कि आधा इंच या 1/4 इंच, इस तरह से जो जैसे भी आपको पसंद होगे, इस तरह से आपको पूरे घेरे के ऊपर ये प्लेटें डालनी है। ये जो प्लेटें हैं, घेरा जो है ये हमारा इस तरह से आएगा, और उसके बाद ऊपर के साइड में ये जो बॉडी पार्ट है ये आएगा। तो इस तरह से हमें ये जो प्लेटें हैं इसमें हमें एडजस्ट करनी है, जितनी भी आपका घेरा है उतना आपको इसमें एडजस्ट करना है। इस तरह से नीचे के साइड में ये पूरा घेरा आएगा और यहाँ पे ये बॉडी पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल सा फ्रॉक जो है वो आपको कट करके दिखाया है। आप चाहे तो इसको स्लीव्स बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्लीवलेस फ्रॉक जो है वो भी बना सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर फ्रिल भी लगा सकते हैं, नहीं तो फुल स्लीव्स, जो भी आपको पसंद होगी। आपको स्लीव्स बनानी हो तो आप बना लो, नहीं तो यहाँ पर आपको पाइपिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल फ्रॉक की कटिंग आपको करके दिखाई है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।